तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूं जबलपुर रेलवे स्टेशन, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरी वंदे भारत ट्रेन खड़ी हुई है। और आज मैं पहली बार वंदे भारत ट्रेन में फाइनली ट्रैवल कर रहा हूं। काफ़ी समय से प्लान कर रहा था बट भोपाल जाना मेरा हो नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली मैंने सोचा है कि अब मेरे को भोपाल जाना था वाइफ को पिक करने की मायके से, तो मैंने वंदे भारत ट्रेन चूज़ करी है। मैं चाह रहा था कि अब जब वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेनें जबलपुर में चालू हो गई हैं तो क्यों ना एक बार ज़रूर इसमें ट्रैवल किया जाए। मैंने बढ़िया से इसमें टिकट बुक कर लिया है, टिकट के लगभग 1000 रुपये लगे हैं। और यही अगर मैं अमरकंटक से सेकेंड एसी में जाता तो शायद 800 या 850 रुपये लगने वाले थे। बढ़िया लेट के जाता बट ठीक है, वंदे भारत ट्रेन है तो वंदे भारत, ये वंदे भारत के वेटर कह रहे हैं अपने आप को बट ये बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं। अच्छा मैं जो हाँ वी आई पी कोच में। अच्छा ये बताइए कि जो वेज और नॉन वेज खाना है सब अलग अलग बनता है कि एक ही साथ बनता है? अलग अलग बनता है। अलग अलग बनता है ना, बनता है, अलग बर्तन भी है उसका, अलग जो बनाने वाला जो भट्टी है तो वो भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये बताइए वेज में क्या मिलता है? वेज में आपको मिलेगा सुबह ब्रेकफास्ट में रहेगा आपका उपमा थेपला और सब्जी रहेगी, ठीक है, उसके साथ में दही रहेगा, केचप रहेगा, ठीक है, और जो बेड की सुखीला वाला आता वो रहेगा, सूखा रहेगा, सैनिटाइजर रहेगा, ब्रेक पॉपर और साल्ट रहेगा। अच्छा इतनी सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, बहुत बढ़िया। मतलब जबलपुर से भोपाल जाते तक एक बार ब्रेकफास्ट मिल जाएगा? सुबह मॉर्निंग टी उसमें कुकीज रहेगी, बिस्किट। अच्छा मॉर्निंग टी में बिस्किट, चाय या कॉफ़ी। ये सभी कोच के लिए कि सिर्फ वीआईपी कोच के लिए? सभी कोच के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? निर्वेश कुमार। निर्वेश कुमार जी हैं और मैं प्रवेश कुमार, एक जैसा मिलता जुलता नाम है। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू भैया। तो कुछ इस तरीके से आपको फैसिलिटी मिलती है। चलिए अब मैं अंदर जा रहा हूँ वंदे भारत के, और अंदर से आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन कैसी है। तो चलिए, ट्रेन के गेट से अंदर चढ़ने का जो स्टेप है वो काफ़ी अच्छा बनाया है इस ट्रेन में। अब ट्रेन जो है वो इनिशियली काफ़ी नीट, क्लीन एंड क्लियर लग रही है, बट एक जो ड्रॉबैक था ना कि जब ये दो लोग निकल रहे थे तो स्पेस ही नहीं था, सांस रोक के निकलना पड़ा। और इन अंकल की स्माइल मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे इनको ब्लॉग में ना लेना ही पड़ा। तो चलिए अब ये भैया जो है सामने वाले पैसेंजर अंदर एंटर करते हैं, मैं वेट करता हूँ ताकि डोर एक बार क्लोज़ हो जाए। चलिए अब मैं डोर ओपन करता हूँ, ये मैंने टच किया और डोर ओपन हो गया, अब मैं एंटर करता हूँ। मेरे एंटर करते साथ ही मेरे को पैसेंजर मेरे कैमरे की तरफ वेव करने लगे, इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है जब भी कोई मेरे कैमरे की तरफ वेव करता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं मेरी सीट पे बैठ गया हूँ, सीट हाँ कम्फर्टेबल ही है बट स्लीपर से कम्फर्टेबल तो नहीं हो सकती सीटिंग। वो कहते हैं कि अगर आप बैठ सकते हैं तो खड़े क्यों रहें, और आप लेट सकते हैं तो बैठे क्यों। अब मैं आपको इसकी सीट दिखाता हूँ, सामने की तरफ ये लॉक लगा हुआ है। मैं इस लॉक को अनलॉक करता हूँ तो आपको एक ट्रे मिल जाएगी जिसमें आप अपने खाने की सामान या फिर छोटा बैग रख सकते हैं। विंडो काफ़ी बड़ी है यहाँ से तो आप बाहर का नज़ारा आराम से देख सकते हैं। अगर आपने जन शताब्दी के एसी कोचेस में ट्रेवल किया है तो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप प्योरली जन शताब्दी के ही कोच में बैठे हुए हैं, क्योंकि जन शताब्दी की विंडो भी कुछ इस तरीके से उन्होंने कर दिया है तो बिल्कुल ये लगता है कि आप जन शताब्दी में ही ट्रैवल कर रहे हैं। एग्जैक्टली 6 बजे ही ट्रेन जो है डिपार्ट हो गई है जबलपुर स्टेशन से, बिल्कुल राइट टाइम है, बट आगे देखते हैं कि टाइमिंग मेंटेन रहती है या नहीं। लगभग 1 घंटे के बाद हमारी टी आ चुकी है। चलिए देखते हैं टी के साथ और क्या मिला है हमको। टी है और बिस्किट है, साथ में मिल गया 1 कप गर्म पानी, तो हम इस पानी में पूरी चाय के शीशे को खाली कर देते हैं कुछ इस तरीके से। मसाला चाय है, हमने मसाला चाय ली थी, आपके पास एक ऑप्शन कॉफ़ी का भी रहता है। अब हम पियेंगे चाय, तो हमारी चाय जो है वो बनकर तैयार हो गई। और आप इतने अच्छे नज़ारे के साथ चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। मॉर्निंग टी, पूरी एनर्जी आ गई मेरे पास। अब चाय काफ़ी अच्छी थी, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग का अलग ही फ्लेवर आ रहा था, बहुत अच्छी चाय है ये। मेरी सीट के सामने एक छोटा सा बेबी बैठा था जिसको देख के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका ही मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। और लगभग 2 घंटे के बाद आ गया है ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकफास्ट में वंदे भारत ट्रेन में क्या क्या ही मिलता है, तो चलिए आइए दोस्तों। टोटल यहाँ पर 4 चीज़ें दिख रही हैं, अब इसके अंदर देखते हैं कि हम इसके अंदर से क्या क्या निकला है। तो ये 2 निकले हैं थेपले, दही, उपमा, आलू की सब्जी निकली है, साथ में हैंड सैनिटाइज़र। और चलिए अब मैं ब्रेकफास्ट टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूँ थेपले के साथ, थेपले और आलू की सब्जी।
दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए देखिए मैंने पूरा का पूरा थेपला ख़त्म कर दिया है और आलू की सब्ज़ी में पूरी ही ख़त्म कर दूंगा। काफ़ी अच्छा लगा ये दोनों ही चीज़ मेरे को। मुझे दही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी तो दही मैं नहीं खाने वाला हूँ। और उपमा, अगर आपको मुझे टॉर्चर करना हो ना तो उपमा दीजिएगा, बट वंदे भारत ट्रेन का जो उपमा था मैं ज़रूर खाऊंगा और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा उपमा बना हुआ था। तो गाइस अब मैं जबलपुर से इटारसी तक पहुंच गया हूँ वंदे भारत ट्रेन में। तो अब मैं आपको ना कुछ कुछ बताता हूँ इस ट्रेन के बारे में, जो जो चीज़ें मैंने देखी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए खाने वगैरह का जो भी आइटम है ना वो एकदम नीट क्लीन और क्लियर रहता है। ये एक प्रकार से पेंट्री का छोटा सा हिस्सा है बट एकदम क्लीन है, नीट क्लीन एंड क्लियर है। और हमारे साथ ही देखिए पीछे जो सफाई के कर्मचारी वाले व्यक्ति ना घूमते रहते, मतलब टोटल ये पूरे टाइम पर आपको यहाँ पर नीट क्लीन और क्लियर ही मिलने वाली है ट्रेन। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो सर हमारे पास आए और सर ने कहा है कि ट्रेन के जो टीटी सर है उनके पास एक चैलेंज है, वो कागज के फूल वगैरह बना करके बच्चों को देते हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी इनके पास और मैं भी कोशिश करूँगा कि एक फूल मुझको भी बना करके दे दें। चलिए सर के पास। तो सर ने स्टार्ट कर दिया है पेपर से मेरे लिए क्राफ्ट बनाना और कुछ कलरफुल पेपर्स जो हैं वो सर ने अपने बैग से निकाल लिए हैं। जब तक सर का जो क्राफ्ट है वो रेडी हो रहा है मैं आपसे ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। आप में से दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मुझको भी वीडियो बनाना चाहिए बट किसी संकोच के कारण ना वो यूट्यूब का चैनल बना रहे ना वो रील बना पा रहे। तो आप ना लोगों के बारे में मत सोचिए कि आपकी रील्स या वीडियो देख करके वो हंसेंगे या कुछ भी करेंगे। मेरे कलीग्स भी, मेरे दोस्त लोग भी बहुत हंसते हैं, दोस्तों तो बहुत ज़्यादा ही हंसते हैं दोस्त लोग, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे व्लॉग बनाना था ना, मैंने स्टार्ट कर दिया अपना व्लॉग बनाना। अब आज देखिए मैं जब ट्रेन में आ रहा था तो कितने सारे लोगों ने मुझको वेव किया है, पेंट्री स्टाफ ने कितने अच्छे से मुझसे बात की है। यही व्लॉग जब मैं बना रहा था तो इंडियन रेलवे के स्टाफ ने आकर के मुझसे कहा कि ट्रेन के जो टीटी सर हैं वो बहुत बढ़िया क्राफ्ट करते हैं, चलिए मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। तो जैसे जैसे आप व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे ना वैसे वैसे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ऑडियंस आपके पास स्वयं आएगी इंगेज होने के लिए। तो आप किसी की मत सोचिए, वीडियो बनाइए और पैसे कमाइए, जाने दीजिए लोग क्या कह रहे हैं, जब आप सक्सेसफुल होंगे तब यही तारीफ़ करेंगे। तो इतनी बात करते करते मेरा भी क्राफ्ट बन चुका है और यकीन मानिए सर के इस क्राफ्ट के कारण मुझे वंदे भारत की जर्नी ना और भी मीनिंगफुल लगने लगी है। तो सर से मैं अपना क्राफ्ट कलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं याद के तौर पर ज़रूर सजा के रखूँगा अपने कमरे में, ये मुझको याद दिलाएगा कि किसी टीटी सर ने मुझको जुर्माना नहीं फ्लार दिया था। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर पुल बना करके दिया सर ने हमको। तो हमारी जो वंदे भारत ट्रेन की यात्रा थी ना वो थोड़ी सी यादगार हो गई हमारी सर के कारण। सर ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर पुल बना के दिया हमको, देखिए ये सर का टैलेंट था। तो ये बहुत ही सुंदर पुल की प्राप्ति मुझको हो चुकी है हमारे वंदे भारत के टीटी सर की तरफ से और ये फूल लेकर के मैं जा रहा हूँ। और मेरी जो ट्रैवलिंग थी ना वो काफ़ी यादगार हो गई है कि सर ने मेरे को इतना प्यारा फूल बना करके दे दिया। अब मैं जाता हूँ अपनी सीट पे और अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने का इंतज़ार करता हूँ। तो ऑल इन ऑल मुझे इसका ट्रैवल एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा, ठीक था, बढ़िया था, अच्छा फील होता है। आप सीट पर बैठे रहते हैं, आपके लिए चाय आ जाती है, आपके लिए नाश्ता करती है, तो एक टच जो होता है ना क्लासी वाला वो आपको इसमें मिलेगा। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा बट एक हाथ बार ट्रेवल किया जा सकता है इसमें। सेफली हम लोग पहुंच गए रानी कमलापति स्टेशन और वंदे भारत के टीटी महोदय ने इतना बढ़िया फूल मेरे को बना के दिया है। तो ये मेरे ट्रैवलिंग का सबसे अच्छा पार्ट था। अब मैं अपना ब्लॉग डालूंगा, आप लोग भी वीडियो बनाइए, यूट्यूब से पैसे कमाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।